हाँ नो मिशू, नो नो, डॉल नहीं खाते मम्मा, डॉल खाने का चीज नहीं। इतना सारा है ना किधर तुम्हारे पास, ये ले, ये लो किधर, ये टीदर, ये लो टीदर। मिशू आज सो नहीं रही है, बहुत परेशान कर रही है। तो मेड नहीं आई है, ऊपर से ये इतना परेशान कर रही है। मिशू मम्मा नाश्ता नहीं करेगी, मम्मा नाश्ता नहीं करेगी। मिशू तुम्हारा पेट तो भर गया, मिशू का पेट तो भर गया। हाय ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है जुमे का दिन यानी फ्राइडे, तो आज मेड नहीं आती है, तो मेड नहीं आई है और सुबह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज मेरा। वैसे तो मैं नॉर्मली रात में बर्तन धो देती हूँ, बट रात में असाइनमेंट्स लिख रही थी तो लिखते लिखते मुझे नींद आ गई, काफ़ी रात तक लिख रही थी तो नहीं हो पाया। तो सुबह उठ के मैंने सारा घर का काम कर लिया है, बर्तन वर्तन ये सब, सोफा फट पूरा बिखरा पड़ा था, सब कुछ ठीक ठाक करके मिशू को मैंने फिट कर दिया है, सिरेलैकी दिया मैंने उसे अभी। और अभी जा रही हूँ मैं, थोड़ा खुद के लिए नाश्ता बनाऊँगी। अलीना ने नाश्ता कर लिया है, सबका नाश्ता वगैरह हो गया, मेरा बाकी है। और टाइम देखिए यहाँ बज रहा है अभी 11:30, और अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। और मिशू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसे रहना ही नहीं है झूले पे, थोड़ी रुकेगी ना फिर रोना शुरू कर देगी, है ना मिशू। ए मिशू हाँ मम्मा, मुझे लगा स्वाडल कर दूंगी, थोड़ा खा लिए स्वाडल कर दूंगी तो वो सो जाएगी, बट नहीं, सोने का नाम नहीं ले रही है, गिन 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 कर रही है। तो मैं अपनी नाश्ता बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए इसका शुरू हो गया, गोद में आना है, हो गया इसका खेल वेल के। बहुत रो रही थी तो मैंने उसे उसके पापा के पास दे दिया है, और देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है वो, क्या कर रही है वो, भी देख रही है, उसको कितना इंटरेस्ट है देखने में। देखो कंप्यूटर स्क्रीन सब देखती रहती है, माउस चलाना है इसको, इसको माउस चलाना। मिशू मिशू क्या कर रहे हो आप काम सीख रहे हो पापा का, काम सीख रहे हो पापा के साथ, उसको दे दो सब चला के, सब काम कर देगी 2 मिनट में आपका, वो 2 मिनट में सारा काम तमाम कर देगी। इतना तंग कर रही थी, नाश्ता नहीं बना पा रही हूँ मैं, 12 बजने को जा रहा है, नाश्ता नहीं किया मैंने सुबह से। यहाँ मैं नाश्ता कर रही हूँ, चाय और पराठा, और साथ में एक अंडा लिया था मैंने, मेरा आजकल का ये रोज़ का नाश्ता हो गया। पीछे आप देख रहे हैं कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं, जो मसलिन क्लोथ वगैरह मंगाई थी ना मीशो का, सब वॉश करना है, वॉश थोड़ी डॉल डाल के वॉश कर दूंगी फिर यूज़ कर पाऊंगी। तो बस मैं फटाफट नाश्ता ख़त्म करती हूँ, फिर आज फ्राइडे है तो आज अलीना को बिरयानी खाना है, तो मैं मटन डिफ्रॉस्ट कर रही हूँ, मटन डाल दिया ओवन में डिफ्रॉस्ट होने के लिए, तो डिफ्रॉस्ट हो जाएगा तो थोड़ा मटन बिरयानी बना लूँगी। तो फिर ठीक है मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और मिशू वहाँ पे देखे आया हूँ कर रही, आपको सुनाई दे रहा होगा। और लीना कुछ कर रही है किचन में, पता नहीं क्या ढूंढ रही है किचन में वो। डिस्पोजेबल पेपर कप्स कितने किए, कितने चलाने का, क्या करना है डिस्पोजेबल तुमको, अभी हमें कुछ बनाना है। क्या बनाना है, कुछ बनाना है, कुछ बम्बू ऐसे खत्म हो गया होगा प्लास्टिक का, देखो प्लास्टिक से होएगा नहीं मम्मा, क्या कर सकते हैं अभी, नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अब लाना पड़ेगा, करना क्या, कुछ तो कुछ एक्टिविटी चलता रहता है अभी। क्लास प्लास्टिक कब से नहीं होगा। मिशू रो रही है, मिशू को पकड़ लो मेरे को प्लीज मम्मा। लीना अच्छा संभाल लेती है मिशू को, है ना। आओ मिशू रो रही है, मिशू अप्पी आ रही, मिशू अप्पी आ रही आपके पास। तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो बिरयानी बनाने के लिए मैंने 2 अनियन को ब्राउन कर लिया है, और 1 अनियन को ऐसा रॉ काट के ऐसे ही मोटा मोटा काट लिया है, और साथ में मटन के साथ भून लेंगे हाई फ्लेम में 2-3 मिनट। उसके बाद मैंने तेज़पत्ता ऐड कर दिया, नमक ऐड करके इसे विसल लगने देंगे, बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने चावल को भिगो दिया है, अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया है, सेम ऐसे ही मैं चढ़ा दूँगी, अलग से पानी बॉयल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। आपके पास है तो आप पानी बॉयल करके चावल ऐड करें, ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने आलू और अंडा भी रख दिया है बॉयल होने के लिए, हल्का सा नमक और कलर डाल के, और हमारा ये विसल लग रहा है, मटन ऑलमोस्ट हो गया है, तो ये बॉयल हो जाएगा तो इसे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो देखिए हमारा मटन अच्छे से बॉयल हो गया है, थोड़ा पानी है इसमें तो हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई में रोस्ट करना थोड़ा ईजी होता है, भुनना वुनना कुकर में होता नहीं है। तो मटन से काफ़ी अच्छा खासा पानी छूटा है, और जो चावल है चावल में हम ये सब मसाले ऐड कर रहे हैं, तेज़पत्ता, लौंग इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सब डाल के नमक डाल के चावल को पकने देंगे।
और यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ मैं। और बिरयानी में ना चावल के हिसाब से नहीं, पानी के हिसाब से आपको सॉल्ट ऐड करना होता है। तो जितना पानी ऐड कर रहे हो उस हिसाब से आप सॉल्ट ऐड कर दो। और पानी को आप चेक के देख सकते हो नमक ठीक है या नहीं। और यहाँ मटन का जो थोड़ा स्टॉक है ना वो हम निकाल लेंगे, और बाद में मसाला भुनने के बाद थोड़ा सा स्टॉक ऐड करेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छे से अच्छा आता है। तो मैं थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ, मतलब जितना भी है मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा छोड़ दूँगी, इसमें ड्राई हो जाएगा। तो करीब करीब एक बोल मैं निकाल ले रही हूँ छोटे प्याले का। आप चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के भी मटन को बॉईल कर सकते हो, बट उससे क्या होता है ना आप रोस्ट नहीं कर पाओगे। रोस्ट करते वक्त ना वो चिपकने लगता है कढ़ाई में, तो रोस्ट होता नहीं है अच्छे से। और सिर्फ अनियन अगर डाल के आप रोस्ट करते हो तो अच्छे से रोस्ट होता है। तो यहाँ थोड़ा रोस्ट कर लेंगे हाई फ्लेम करके, और तब तक यहाँ पर दही ले लेते हैं। तो ये दही 170 ग्राम है, 170 ग्राम का डब्बा है ये। ये पूरा ऐड कर दूंगी, करीब करीब 200 ग्राम दही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और यहाँ का दही खट्टा नहीं होता है, पहले भी मैंने बताया था आपको, और टेस्ट बहुत अच्छा होता है यहाँ के दही का। तो मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो थोड़ा सा और ऐड कर दे रही हूँ, 2-3 स्पून। और इसे अच्छे से फेंट लेना है, जितने अच्छे से दही फेटेंगे ना उतना अच्छा होता है, नहीं तो वो दाना दाना दही का दिखता है तो अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से फेटने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा और ले लेती हूँ, कम लग रहा है। और थोड़ा सा ना चिली और गार्लिक पेस्ट है, ये अलग से मैंने बना के रखा हुआ था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दे, मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। लहसुन और चिली का पेस्ट है ये, कभी कभी चटनी बनाती हूँ ना तो इस तरह से मैं अलग से बना कर रखती हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे, और इसमें बहुत कम मसाला यूज़ करना है, बस ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड करेंगे, और गर्म मसाला पाउडर, बस इतना ही। तो चिली पाउडर ना थोड़ा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ मैं, क्योंकि दही क्या होता है ना वो तीखापन को मार देता है। तो जितना भी आप खाते हो ना तीखा, थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लो उससे। और गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। तो मैं करीब करीब एक स्पून मैंने ले लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, घर का बना हुआ है तो बेस्ट ही होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से भी जो मिलता है ना मार्केट में वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे देखिए हमारा मटन अच्छे से रोस्ट हो गया, पैचेस आने लगे हैं, ब्राउन पैचेस। तो थोड़ा और रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट, रोस्ट करने से टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है मटन का। तो मैंने रोस्ट कर लिया है 2-3 मिनट अच्छे से, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो मसाला हमने बना कर रखा था। और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो बहुत अच्छे से हमें भुनना है, मतलब बहुत ही अच्छे से भुनना है, नहीं तो स्मेल रह जाएगा इसका। अच्छे से आप भुनेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं रहता, इनफैक्ट बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हमारा अंडा और आलू बॉयल हो गया था तो मैं निकाल ले रही हूँ, इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा, उसके बाद बॉयल ये डीप फ्राई करना है हमें आलू को। और चावल भी हमारा पक रहा है देखिए, तो हमारा आलू अच्छे से बॉईल हो गया है, और चावल थोड़ा सा और पकने देंगे, दाना छोटा है अभी, दाना जैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना बस ड्रेन कर देना है पानी इसका। और मैंने साइड में कढ़ाई भी चढ़ा दिया है, उसमें आलू फ्राई करना है, और हमारा मटन भी बन रहा है। तो मटन में थोड़ा मैंने भून लिया था मसाले के साथ, अब मैं इसमें मटन का जो स्टॉक था ना वो ऐड कर रही हूँ, और फ्लेम को हाई करके 2-3 मिनट चला लूँगी। 2-3 मिनट चलाने के बाद इसे ढक कर हम इसे पकाएंगे, मतलब स्लो फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, उसके बाद हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो इस तरह से ना जो कच्चापन मसाले का है वो भी चला जाएगा, और मटन के साथ मसाला अच्छे से भुना भी जाएगा, और मटन में टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो इसे ढक कर जितना भी स्लो आप फ्लेम कर सकते हो उतना स्लो फ्लेम करके इसे आराम से 4-5 मिनट आप पकने दें ढक कर, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। और जब तक हमारा मटन पक रहा है हम आलू को फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। तो मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और आलू मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे, और 4-5 मिनट हो गए। तो मटन का ढक्कन मैंने निकाल दिया था, और देखिए हमारा तेल जो है ना सरफेस पे आने लगा है, और अच्छे से मसाला भुना गया है, कोई भी स्मेल नहीं है कच्चापन का इस, इनफैक्ट बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, पूरा घर बिरयानी बिरयानी की खुशबू से महक रहा है। और अलीना को भूख लग गई है बहुत ज़ोर से, अभी से बोल रही है वो खुशबू से। तो ये इस पॉइंट पर हम फ्लेम बंद कर देंगे। तो हमारा मटन तो रेडी हो गया है, और चावल देख लेते हैं। तो चावल ना 80% कुक करना होता है, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा मैंने पका दिया है। और आलू हमारा फ्राई हो गया है, क्रिस्पी फ्राई कर लेना है इस तरह से, मुझे तो बिरयानी में आलू बहुत पसंद है। और ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, नहीं तो स्किप करें, मुझे अच्छा लगता है तो मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैं अब लेयरिंग कर रही हूँ बिरयानी की, तो मैंने हल्का सा घी ऐड कर दिया है, और उसमें चावल मैं ऐड कर रही हूँ, हाफ से थोड़ा ज़्यादा चावल मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद फैला देंगे इस तरह से हल्के चम्मच से, नहीं तो टूट जाएगा। और इसके ऊपर इस तरह से मटन की लेयरिंग कर देंगे, और जो घी हमने ऐड किया था मटन बनाने के लिए वही घी मैं डाल रही हूँ चावल में, क्योंकि आप लोगों को पता है ना हस्बैंड डाइट पे, तो आज वो चीट करने वाले हैं, डाइट कभी कभार करते हैं, मैंने बताया था आपको, तो फिर भी ज़्यादा तेल वगैरह वो अवॉइड करते हैं। तो मैं अब इसमें और घी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, जो तेल मटन का है वही ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जो लेयरिंग मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो 2 बार मैंने 2-3 लेयरिंग मैंने कर लिया है यहाँ पर, और फाइनली जितना भी मटन था ना बचा हुआ सारा मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर। और ये ऐड करने के बाद चावल डाल देंगे इसके ऊपर,
तो पहले तो अंडा और आलू डाल देते हैं साइड साइड में इस तरह से, और जो बचा हुआ चावल है ये लास्ट वाला जो है पूरा डाल देंगे। डाल के इसमें मैंने केवड़ा वाटर में, थोड़ा दूध में केवड़ा वाटर डाल के हल्का सा कलर डाल के इस तरह से मैंने डाल दिया है इसमें। आप चाहे तो मीठा अतर भी डाल सकते हैं, खुशबू बहुत अच्छी आती है मीठा अतर की, बट यहाँ पे मिलता नहीं है, मुझे मिला नहीं है अभी तक। हमारे कोलकाता में तो मिलता है मीठा अतर, तो हम यूज़ करते हैं बिरयानी में। हमारे यहाँ कोलकाता में तो मीठा अतर के बिना बिरयानी बनता ही नहीं है, मतलब मीठा अतर नहीं है तो बिरयानी का टेस्ट अधूरा जैसा लगता है। उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मुझे मिला नहीं कहीं पे, तो मैं केवड़ा वाटर से काम चलाती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा दम पे लगा देंगे हल्का फ्लेम करके, 7-8 मिनट दम दे देंगे। यहाँ मैंने सैलेड भी रेडी कर लिया है और यहाँ पे दम लग गया है बिरयानी में, तो मैं ढक्कन खोल के सर्व कर लूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा बना है हमारा बिरयानी। और चम्मच से मिक्स करने से अच्छा होता है ना, आप इस तरह से अगर मिक्स करते हो तो ये इजी भी हो जाता है और चावल हमारा टूटता नहीं। और मेरा चावल थोड़ा लगता है मुझे ओवर कुक हो गया है, क्योंकि मीशू रो रही थी। इत्मीनान से कोई काम करो ना, अच्छे से हो जाता है, जल्दी जल्दी में होता नहीं है। बट फिर भी ठीक है, ये बिरयानी हमारा बन के रेडी है, तो हम लंच कर लेंगे। खाली हो गया घर यहाँ पे, 2 BHK का एक फ्लैट, तो वही हम देखने के लिए जा रहे हैं अभी। और अलीना जो है ना खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ, 4th फ्लोर पे वो है, तो खेल रही है, उसको बताकर हम ऊपर चले जाएंगे। और जो ये 2 BHK का घर है ना, वो हाई फ्लोर पे है, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा प्रॉब्लम भी है, हाई फ्लोर से डर लगता है ना, हाइट से डर लगता है ना आपको। और मुझे लगता है यहाँ से भी ना बालकनी से मस्जिद का व्यू आएगा, सेम साइड में है। यहाँ से इसका एंट्रेंस है फ्लैट का, और सेम लेआउट है जैसे हम 1 BHK है ना, किचन वैसे ही है बिल्कुल सेम टू सेम, सेम वही है किचन, 1 इंच भी बड़ा या छोटा नहीं है। और यहाँ पे सामने बालकनी है, साथ ही गेट नहीं खुल रहा है बालकनी का, क्यों गेट लॉक है नहीं खुल रहा है। तो ये ऐसा कुछ बालकनी है, स्ट्रेट लंबा बालकनी है, मतलब 1 BHK में सिर्फ लिविंग रूम में है, और यहाँ से ना बेडरूम के साथ शायद एक्सेस होगा। और यहाँ से देखिए इस तरफ से अगर देखें ना, तो ऐसा दिखता है सेम हमारे घर के जैसा। और वो एंट्रेंस के साथ ही एक हमारा कॉमन बाथरूम है, बट यहाँ पे वहाँ यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ बनाया है यहाँ पे कॉमन बाथरूम। और यहाँ पे भी एक बाथरूम है, क्या है पता नहीं, हाँ स्टोरेज मेड रूम है एक ये। चलो थोड़ा ये टॉर्च मारो ना यार, शायद मेड रूम है, अंधेरा है। तो ये है मेड रूम, अगर मेड नहीं है तो ऐसे स्टोरेज रूम भी यूज़ कर सकते हैं, ये जो फुल टाइम मेड रखते हैं ना उनके लिए है ये। और साथ साथ मेड रूम के साथ साथ यहाँ पे ना बाथरूम भी है, ये देखिए टूटा फूटा है जानू, बट बाथरूम टूटा फूटा है थोड़ा। और यहाँ एक बेडरूम है, साथ में बालकनी, बालकनी मतलब स्ट्रेट लंबा दिया है यहाँ से वहाँ तक, ये यहाँ से ना पूरा वहाँ तक बालकनी है लिविंग रूम तक। और कबर्ड है साथ में, ये रूम थोड़ा छोटा है तो बच्चों के लिए परफेक्ट, ये रूम, ये मास्टर बेडरूम नहीं है, छोटा रूम है ये। और दूसरा देखते हैं, और एक ये रूम बड़ा है जो ऐसा हमारा है ना 1 BHK में, सेम वैसे ही है। देखिए यहाँ से मैं दिखाती हूँ, ये वाला रूम बड़ा है थोड़ा, सेम हमारा ऐसा है ना 1 BHK में भी वैसे ही है। और यहाँ पे कैबिनेट्स है साथ में, सेम वैसे ही है, बाथरूम के साथ 2 कैबिनेट्स लगा हुआ है, और मास्टर बेडरूम के साथ ही बाथरूम दिया गया है। ये बंद है, खुल नहीं रहा। काफ़ी बड़ा है, मतलब मेड रूम ना बोनस है, एक्सेस है, मतलब यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए जगह, मेड रूम भी है यहाँ पे पता है आपको, और 3 वार्डरोब है। और देखिए बालकनी यहाँ से खुला हुआ है, ओ यूज भर दिख गए, आप दिख गए, छुपो मत, छुप रहे हैं। वाह बालकनी बहुत अच्छा है, बालकनी बहुत अच्छा है यहाँ से। और ऐसा है यहाँ का व्यू, और लास्ट व्लॉग में जो मैंने बताया था ना एक वीडियो क्लिप मैंने निकाला है घर का, तो ये वाला बिल्डिंग है जहाँ पे मैं गई थी लास्ट टाइम, बट मैंने शेयर नहीं किया था आपके साथ, तो अभी शेयर करती हूँ। तो ये वाला बिल्डिंग है, और ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस में घुसते ही सामने में है किचन है शायद यहाँ पर, हाँ ये किचन है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बालकनी से भी रास्ता है इसका अंदर आने का। और ये है हॉल यानी लिविंग रूम, इतना बड़ा है लिविंग रूम,
बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ब्राइट था ये वाला घर, बहुत ही ब्राइट और बहुत हाइट फ्लोर पे है। और ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आराम से डाइनिंग टेबल लगा के डाइनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और बालकनी आप देखेंगे ना, जितना बड़ा लिविंग रूम है और साइड में किचन भी है, किचन से पूरा लगा हुआ है लिविंग रूम तक, जितना बड़ा है ना उतना लंबा बालकनी है, काफ़ी लंबा है बालकनी। और बाहर का व्यू मैं दिखाती हूँ, पूरा मेन रोड दिखता है यहाँ से, ये देखिए। और बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, बुर्ज खलीफा व्यू भी है यहाँ पे, बहुत दूर है लेकिन। तो ये है बालकनी, और यहाँ से ना बालकनी से आप किचन में भी घुस सकते हो, किचन भी काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे कैबिनेट्स हैं, काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा लग रहा था अपार्टमेंट नहीं है विला है, काफ़ी बड़ा लग रहा था। और किचन के बगल में ही ना यहाँ पे ये है लॉन्ड्री रूम है छोटा सा, वॉशिंग मशीन रख सकते हो कपड़े वपड़े धोने के लिए। और ठीक इसके बाजू में फिर है मेड रूम, एक छोटा सा मेड रूम है। आजकल जितने भी नई बिल्डिंग में है ना, सब में 2 BHK वाले में मेड रूम रहते हैं, मतलब पुराने बिल्डिंग्स का नहीं पता बट नई बिल्डिंग में आजकल सारे में है मेड रूम, और साथ में वॉशरूम रहता है मेड रूम के साथ वॉशरूम। और उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है इस तरफ से पूरा बेडरूम्स, यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट है और यहाँ पे 3 बेडरूम का, एक्चुअली हमें पता नहीं था ये 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है, हमने एजेंट को बोला था 2 BHK चाहिए, उन्होंने यहाँ भेज दिया। तो ये साथ सामने में है कैबिनेट्स बहुत सारा, 4-5 वार्डरोब का कैबिनेट्स है, साथ में है वॉशरूम और हर बेडरूम के साथ वॉशरूम है इस वाले अपार्टमेंट में, वॉशरूम भी काफ़ी खूबसूरत है। और ये है इसका बेडरूम, और यहाँ से निकलेंगे तो इस तरफ कैबिनेट देखिए कितना बड़ा है ऊपर तक। और यहाँ पे और 2 बेडरूम है, एक ये वाला और एक मास्टर बेडरूम। तो 2 बेडरूम का साइज़ तो बिल्कुल सेम था, मास्टर बेडरूम थोड़ा बड़ा लगा मुझे, तो ये एक बेडरूम है सेकेंड वाला। अब वही कैबिनेट्स, बड़े बड़े कैबिनेट्स सब बेडरूम के साथ है। एक और लास्ट वाला बेडरूम जो है मास्टर बेडरूम है, मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये है मास्टर बेडरूम, 2 अलग कैबिनेट है देखिए, एडिशनल कैबिनेट्स है, मास्टर बेडरूम है इसलिए। और इस बेडरूम के साथ बैल्कनी भी है साथ में, ये देखिए, ये मास्टर बेडरूम थोड़ा बड़ा है ये, मतलब काफ़ी बड़ा है, हमारे लिए मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे। और इसका जो भाड़ा है ना बहुत ज़्यादा था, बट है बहुत खूबसूरत। तो ऊपर जो घर देखने गई थी ना, आने के बाद हालत ख़राब हो गई, इतनी गर्मी है, क्योंकि एसी वैसी नहीं रहता ना, लोग जाते तो दीवा डीएक्टिवेट कर देते, फिर जो नए लोग आते वो दीवा एक्टिवेट करते, दीवा होता है दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड अथॉरिटी, तो वो बंद था और एसी नहीं है, हालत ख़राब हो गई, जाकर ऊपर नीचे आई तो मैं थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ। और जो घर लास्ट वाला था ना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बड़ा था, लेकिन तो 3 BHK का था, हमें पता नहीं था, एजेंट ने बोला कि, हमने एजेंट को बोला 2 BHK का चाहिए तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। और रेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब हमारे बजट के बाहर 80,000 रेंट है, तो उसमें हम 2 साल का भाड़ा भर सकते हैं, ऑलमोस्ट 2 साल का भाड़ा भर सकते हैं, तो वो नहीं चलेगा हमें। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं इतना, मतलब सैलरी आधा, इतना महंगा महंगा घर लिए तो आधी सैलरी तो रेंट में ही चला जाएगा, फिर बचेगा क्या। तो इसलिए जितना मतलब हो सकता है, बजट वाला घर हम देख रहे हैं अभी, अब कल जाएंगे एक और घर देखने, वो हमारे बजट में ही है, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो वो वाला घर हम फाइनल कर लेंगे कल। तो पिक्चर्स में हमने देखा है, अच्छा लगा, कॉम्पैक्ट है, बहुत बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब हमारे लिए परफेक्ट है, तो वो वाला घर एक देखना है। तो फिर ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। और हाँ, मुझे विटामिन डी के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, तो मुझे एक टैबलेट दिया गया है, मतलब वीकली लेना है वो, यूरो समथिंग नाम है उसका, मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला टैबलेट्स है यूरो डी, तो ये वीक में एक बार लेना है। तो फिर भी आप कुछ भी ले रहे हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप लो, क्योंकि वो डोज वगैरह कितना आपका कमी है बॉडी में उस हिसाब से आपको वो देते हैं दवा। तो हस्बैंड को तो हाई डोज दिया जा रहा है क्योंकि उनका बहुत कम है, और मैं ब्रेस्ट फिड कर रही हूँ तो मेरा डोज थोड़ा कम है, ज़्यादा मुझे नहीं दिया गया है, और मेरा इतना भी ज़्यादा कम नहीं है, मेरा मतलब थोड़ा कम है विटामिन डी, ज़्यादा कम नहीं है बॉडी में। और सब जो थोड़ा सनलाइट लेना है, डॉक्टर ने बोला सनलाइट लो 10-15 मिनट, सुबह का धूप लो, और वही मिल्क चीज़ फिश वगैरह जिसमें कैल्शियम है खाने में, वो सब खाना है, और क्या, बस यही सब है। तो बस ठीक है, मैं आज का ब्लॉग फिर यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।